स्वागत है दोस्तों जीटी के एजुकेशन चैनल में। मैंने एक लड़के को साइन और इसके जीरो एंगल, पांच एंगल जो होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको याद करते समय बहुत ही स्ट्रगल करते हुए देखा। तो मैंने सोचा इसके लिए मुझे वीडियो बनाना चाहिए। हम एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें साइन थीटा थीटा इक्वल्स टू एंगल साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा एंड टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इसके लिए पांच एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो हमेशा बहुत हर जगह ज़रूरत पड़ती है। 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो गाइस, सबसे पहले हम साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 0 के लिए 0 लिखेंगे, 30 के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3, 90 के लिए 4 एंड सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। सबको 4 से डिवाइड करने के बाद सब पर रूट अंडर कर लेंगे। याद रहे, ये 90 डिग्री के लिए, ये 60 डिग्री के लिए, ये 45, 30 डिग्री के लिए, ये एंड 0 डिग्री के लिए। अब सबका जब सॉल्यूशन करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट होगा। सबसे पहले हम 0/4, जब 0/4 का हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 0/4 जीरो होगा। जीरो का अंडर अंडर रूट करेंगे, 0/4 अंडर रूट बराबर अंडर रूट जीरो बराबर आंसर क्या होगा, जीरो ही होगा। देन इसका वैल्यू जीरो, 30 डिग्री, 1/4। जब 1/4 का हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम 1/4 अंडर रूट, इसको हम 1 × 1 एंड 2 × 2 अंडर रूट लिख सकते हैं। इस तरह 1/2 आंसर मिलेगा हमें। देन 1/2, 2/4, 2/4 का वैल्यू, 2/4 अंडर रूट, इसका वैल्यू 1/2 होगा, अंडर रूट 1/2। अब अंडर रूट 1/2, 1 का रूट अंडर 1 तो आ जाएगा बट 2 का रूट नहीं निकलेगा, तो रूट अंडर 2 लिख देंगे ये आंसर। तो 1/√2। 60 के लिए 3/4 है, अंडर रूट है, देन 3/4 रूट अंडर है, तो ये 3 का तो कुछ नहीं निकलेगा तो 3 हो जाएगा। और 4 के लिए रूट अंडर 2, देन हम लोग पास आंसर √3/2, √3/2। 90 डिग्री के लिए 4/4, 4 से 4 1, 1 के लिए रूट अंडर 1, 1 ही आंसर होगा। इस तरह से 90 डिग्री 1। देन हमारे पास अब साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट है। इस ट्रिक से हमने साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमें कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कॉस थीटा के लिए जो ये है, साइन थीटा के लिए है, ये लेफ्ट, ये राइट, ये राइट है, ये लेफ्ट। फिर इसको पूरे वैल्यू को ऐसे पलट देंगे, ये राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कर देंगे, तो कॉस थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे अब हम आपको बताते हैं, अभी ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इधर उधर ना जाए। तो गाइज, इसको हमें राइट से लेफ्ट करना है। देन लेफ्ट से राइट गए, अब राइट से लेफ्ट जाएंगे, मीन्स 1 एंड √3/2, √3/2, 1/√2। इसका तो मिडिल में है तो इसका कुछ राइट लेफ्ट नहीं। ये 1/2 तो यहाँ 1/2 एंड ये 0 तो यहाँ 0। अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू इस ट्रिक से फाइंड आउट किया, कॉस देन फाइंड आउट हुआ, उसके बाद इसको राइट से लेफ्ट से राइट गए, फिर राइट से लेफ्ट आएंगे तो ये कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। अब टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का जो वैल्यू निकलेगा वो उसी डिग्री के लिए, जिस जिस डिग्री का वैल्यू निकलेगा उसी डिग्री के लिए। सबसे पहले हम 0 डिग्री के लिए निकालते हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो बाई कॉस थीटा का वैल्यू वन, वन।
देन 1 से 0 में करेंगे क्या होगा, 0। इस तरह से हम 0 कर लेंगे। फिर 1/2 और √3/2 30 डिग्री के लिए कर रहे हैं, तो 30 डिग्री के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना है। 30 डिग्री के लिए हमारे पास क्या, 1/2 √3/2, 1/2 एंड √3/2, देन 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, क्या फाइंड आउट हुआ, 1/√3। किस चीज़ का वैल्यू है, साइन साइन थीटा बाई कॉस थीटा मीन्स टेन थीटा का वैल्यू है, एंड ये हम फाइंड आउट कर रहे थे 1/2 और √3/2 30 डिग्री के लिए, 1/√3 या हमें 30 डिग्री के लिए। अब 45 डिग्री के लिए हमें साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम सेम इक्वे सेम होगा तो सेम कटेगा, क्या हमें फाइंड आउट होगा, 1। साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2 है, 1/√2 है, कट गया, ये कट गया, बराबर 1 आया ये आंसर। अब हमें 60 डिग्री के लिए जब हम करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा करना है, √3/2 अपॉन 1/2 इक्वल्स टू, इसका सॉल्यूशन निकलेगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, √3, आंसर आया क्या, √3। देन हम यहाँ √3 पुट कर देंगे, जब 1/0 का वैल्यू करेंगे वही 0 या इन्फिनिटी, 0 या इन्फिनिटी। ओके, अब गाइज हमें तीन चीज़, तीन का तो वैल्यू फाइंड आउट हो लिया, अब तीन और बाकी है। ये तीन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा अब डिफरेंट करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं दो चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ है टेन का कॉट, अपोजिट करने से ऊपर का नीचे, अंश का हर हर का अंश करने से वैल्यू फाइंड आउट होगा। जैसे 1/√3 है तो टेन थीटा का वैल्यू है तो √3/1 कॉट थीटा का वैल्यू होगा, तो 0 का अपोजिट कुछ भी करे 0 ही होगा। 1/√3 का वैल्यू इसको अपोजिट करेंगे, 1/√3 का अपोजिट करें √3 या √3, देन √3, 1 का अपोजिट 1, ये सिर्फ √3 है, इसका अपोजिट करना है कुछ नहीं, नीचे नीचे √3 है और इसके नीचे ये सिर्फ √3 है, इसका मतलब नीचे 1 है, इसका हो जाएगा 1/√3, इन्फिनिटी का 0, ये 0 का, 0 का है या इन्फिनिटी का है। अब सेक थीटा और कोसेक थीटा में भी इसी तरह है, बट हमें एक चीज़ होना पता होना चाहिए कि कॉस के लिए हम सेक को अपोजिट करते हैं, साइन के लिए कॉसेक का। तो हमें टेन से कॉट का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, अब कॉस थीटा के लिए सेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 1/1 होगा, √3/2 है तो √3, 1/2 है √2/1 या फिर सिर्फ √2, 1/1 लिखने से कोई डिफरेंट नहीं आने वाला है। ये क्या है, 1/2, 2/1, बट 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे कोई डिफरेंट नहीं है। 0 है तो 0 लिखे, 0 या इन्फिनिटी या 0 कुछ भी चलेगा, इन्फिनिटी या 0 कुछ भी रहे चलेगा। अब साइन थीटा, साइन थीटा के लिए कोसेक थीटा या इन्फिनिटी का वैल्यू होता है, 0 और इन्फिनिटी में बहुत डिफरेंट है, बट इसमें कुछ है जो अपरिभाषित है, जिसको परिभाषित नहीं किया गया है, तो वहाँ पे हम 0 का वैल्यू अगर पुट करते हैं, यानी टेन कॉस थीटा 90 का वैल्यू 0 फाइंड आउट करते हैं, तो वही आंसर आएगा या इन्फिनिटी। तो मतलब ये इसका कोई ये नहीं है, ये अपरिभाषित है। देन अब कोसेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम साइन थीटा का अपोजिट करेंगे, साइन थीटा का अपोजिट करेंगे कोसेक थीटा, देन ये 0 है तो 0 को अपरिभाषित कहे या इन्फिनिटी कहे, 1/2 है तो 2 या 2/1, ये 1/√2 है तो √2, देन √3/2 है तो 2/√3, ये 1 है तो 1, 1 का अपोजिट 1 ही होता है। तो गाइज ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा का पूरा वैल्यू एक्चुअल है,
अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप कहीं भी मिला सकते हैं। इसका ये सिंपल फाइंड आउट है, यहाँ थीटा की जगह पर मैंने एंगल लिया है। सिंपल ये करना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। 0 के लिए 0, 1, 3, 30 के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3, 90 के लिए 4, सबको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर सबको अंडर रूट करेंगे, फिर सबका जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो आएगा हमें साइन थीटा का वैल्यू, फिर साइन थीटा से कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे कि ऐसे राइट से लेफ्ट गए थे, लेफ्ट से राइट गए थे, फिर राइट से लेफ्ट आएंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू निकलेगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो टेन थीटा का वैल्यू निकलेगा। अब टेन का अपोजिट होता है कॉट, कॉस का अपोजिट सेक, एंड साइन का अपोजिट कोसेक होता है। इस तरह से करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियोस को हमेशा अपडेट रहने के लिए, और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।